बिल्लियों के अगले पंजे पर 5 उंगलियां होती हैं, लेकिन पिछले पंजे पर केवल 4 होती हैं। कुछ बिल्लियों में एक अतिरिक्त पैर की अंगुली होती है, जिसे पॉलीडेक्टाइल स्थिति के रूप में जाना जाता है। बिल्ली की नाक इंसान के फिंगरप्रिंट की तरह अनोखी होती है। किसी भी दो बिल्लियों की नाक के पैट का पैटर्न एक जैसा नहीं होता। बिल्लियों में सुनने की क्षमता अत्यधिक विकसित होती है और वे ध्वनि के स्रोत का पता लगाने के लिए अपने कानों को 180 डिग्री तक घुमा सकती है। बिल्लियों में एक विशेष कॉलबोन होती है जो उन्हें गिरने पर हमेशा अपने पैरों पर खड़े रहने की अनुमति देती है। इस रिफ्लेक्स को राइटिंग रिफ्लेक्स के रूप में जाना जाता है। बिल्लियों के एक समूह को क्लाउड कहा जाता है, हालांकि आप उन्हें चमकदार या झपटने के रूप में भी सुन सकते हैं। बिल्ली की मूंछें अत्यधिक संवेदनशील होती हैं और उन्हें अपने वातावरण में वस्तुओं को नेविगेट करने और उनका पता लगाने में मदद करती है। बिल्ली की मूंछों की लंबाई लगभग उसके शरीर की चौड़ाई के बराबर होती है। बिल्लियों को संवारने की एक विशेष तकनीक होती है जिसे अल्लोग्रूमिंग कहा जाता है, जहां वे स्नेह के संकेत के रूप में और सामाजिक बंधनों को मजबूत करने के लिए अन्य बिल्लियों को तैयार करती है। औसत बिल्ली दौड़ते समय 30 मील प्रति घंटे 48 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति तक पहुंच सकती है, जिससे वे फुर्तीले शिकारी बन जाते हैं।